पिथौरागढ़ जिले में लिंगानुपात की स्थिति सामान्य नहीं हो सकी है। यहाँ अभी भी बेटियों के पैदा होने की संख्या का अनुपात कम ही है, जो भविष्य के लिए चिंताजनक है। पिथौरागढ़ में 2021 में बच्चों के पैदा होने के आंकड़ों पर अगर नज़र डालें तो यहाँ प्रति हज़ार लड़कों की तुलना में 907 लड़कियों ने जन्म लिया है। वहीं इस साल अप्रैल से सितंबर तक यह संख्या 877 है, जिससे पता चलता है कि जिले में लिंगानुपात अभी सामान्य नहीं हो पाया है, जबकि सरकार इसे बढ़ाने के लिए काफ़ी प्रयास कर रही है। जिले के समाज सेवी मुकेश पंत ने इस विषय में चिंता जाहिर करते हुए कहा कि लिंगानुपात में कमी के दो ही कारण हो सकते हैं, या तो बेटियां ही कम पैदा हो रही हैं या कहीं ना कहीं लोग उन्हें अपनाना नहीं चाह रहे हैं, जो भविष्य के लिए चिंताजनक स्थिति है। साथ ही लिंगानुपात में आ रही कमी के अन्य कारणों की गहनता से जांच करने के साथ ही बर्थ रेट को बराबरी में लाने की ओर ध्यान देने की बात भी उन्होंने कही है। निश्चित रूप से लिंगानुपात का जो मामला यहाँ पर पिथौरागढ़ जिले में सामने आया है, जिस तरीके का एक बहुत बड़ा डिफरेंस मेल और फीमेल के बीच पैदा हो रहा है, यह कई सवाल इसको लेकर खड़े करता है कि क्या कन्या वास्तव में पिथौरागढ़ जनपद में उनकी बर्थ रेट वास्तव में घटा है या कोई अन्य कारण है जिसके लिए यह लिंगानुपात का घटता हुआ क्रम फीमेल में एक तरीके से बढ़ रहा है। इसकी पूरी जांच गहराई में जाकर सरकार और प्रशासन ने करनी चाहिए, और निश्चित रूप से जो मेल और फीमेल का एक बराबर का रेशियो होता है वह रेशियो को बनाने के लिए प्रयास करने चाहिए, बल्कि यह बढ़ना चाहिए। पिथौरागढ़ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एचएस ह्यांकी ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में पिछले साल 2987 लड़के और 2909 जीवित लड़कियों ने यहां अस्पताल में जन्म लिया। वहीं इस साल से सितंबर तक 1201 लड़के और 1054 लड़कियों ने जन्म लिया है। जिले में इस साल 26 नवजात शिशुओं की मौत हो चुकी है, जिसमें से 14 लड़कियां हैं। वहीं 937 बच्चे इस साल अभी तक दुनिया को अलविदा कह चुके हैं, जिनमें से 382 लड़कियों की मौत की संख्या है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि गर्भ में लिंग का पता लगाना कानूनन अपराध है और जिले के सभी अल्ट्रासाउंड सेंटरों में विशेष नजर रखी जा रही है, ताकि गर्भपात से जुड़े मामलों पर दोषियों को सजा मिल सके। फिलहाल जिले में अभी ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें गांव-गांव जाकर लोगों को इस विषय पर जागरूक कर रही हैं और बेटियों को बचाने और पढ़ाने पर विशेष ध्यान दिए जाने की बात भी मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कही है। पिथौरागढ़ से हिमांशु जोशी, न्यूज 18 लोकल के लिए।